सरवन सिंह पंधेर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। प्रेस वार्ता हुई, प्रेस वार्ता से पहले एक बैठक, तमाम रूपरेखा तैयार की गई, क्या बातचीत हुई आज? हाँ देखिए, जो आज कई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कन्वेंशन थी वो तो एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए, जो देश के बड़े अर्थशास्त्री आप जानते हैं, दीपेंद्र शर्मा को जानते हैं, प्रकाश को भी जानते हैं, और जो देश के पूर्व हमारे अर्थशास्त्री जो मंत्री भी रहे हैं पूर्व, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें पूरे देश के किसान यूनियन के सामने रखी है कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाया जाए, सब फसलें खरीदी जाए, जो सरकार के दावे बोल रहे हैं इतने लाख करोड़ का उसमें बजट लगेगा, ये तथ्यों पे निर्भर नहीं है। अब किनका मानना है 2 लाख करोड़ लगेगा, अलग अलग है, लेकिन किसी का मानना भी सरकार को इससे और आय होगी, तो वो अर्थशास्त्री तैयार हैं भी जो सरकार ये दावा करे भी इसमें देश का अधिक बजट लगेगा, उसके लिए हम सामने बैठने के लिए तैयार हैं, ये झूठी बातें गलत थे। तो आज हम लोग लगातार ये बात साफ कर दी पूरे देश में भी ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा। दूसरा, हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए जो जितने भी विपक्ष के एमपीज हैं, लीडर्स हैं, उनको बोल रहे हैं, वो भी था कि वो प्राइवेट बिल लेके आए, हम तो चाहेंगे देश की पार्लियामेंट में वोटिंग हो, और आने वाले समय में बजट पेश होगा, अगर सरकार को कोई हमारे आंदोलन से किसान मजदूर का कोई फिक्र होगा तो वो अब इस बजट में 3% किसानों के लिए 48,000 करोड़ का, ये 48,00,000 करोड़ का ये बजट होगा, तो 3% से हमें अधिक दिया नहीं जाता, हम कहते हैं 60% हमारी आबादी, कम से कम आधा तो हमें दीजिए, फिर हमारी तरक्की दीजिए। और जो नए कार्यक्रम है उसका हमने अनाउंसमेंट आज किया, जैसे 1 अगस्त को जो हरियाणा के अधिकारी जिन्होंने किसानों के ऊपर जुल्म किया उनको हरियाणा सरकार केंद्र रलकर सम्मान कर रही है, हाँ वीरता पुरस्कार दे रही है। हम कहते हैं भी देश के लोगों के ऊपर जुल्म करके वीरता पुरस्कार मिले अच्छी बात नहीं, अगर देश के लिए कोई अधिकारी काम करता मिलना चाहिए, यह जलियांवाले बाग के बाद दूसरा कांड हमें लग रहा है, उसके लिए हम देशभर में 1 अगस्त को मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे, और एमएसपी गारंटी बिल ले आने के लिए विपक्ष को मजबूर करने के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च होगा, और जो 3 क्रिमिनल लॉ लेके आई है सरकार उसके हम कॉपीज उस दिन 15 अगस्त को जलाएंगे। 31 अगस्त को जो हम जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं शंभू में खनौरी में 200 दिन पूरे हो रहे हैं, वहां लाखों के इकट्ठ करेंगे, हम चाहेंगे यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से और अन्य अन्य जो उत्तर भारत के राज्य हैं, राजस्थान से अधिक से अधिक किसान मजदूर उस रैली में पहुंचे, हमारा ये कहना होगा। इसके साथ 1 सितंबर को यूपी में महारैली होगी, 15 सितंबर और 22 सितंबर को 2 बड़ी महापंचायतें हम लोग हरियाणा में करेंगे, तो ये आने वाले कार्यक्रम है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, अंतिम सवाल है, अगर बॉर्डर खुलता है शंभू बॉर्डर का, और जिस तरीके से हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भी कहा कि खोल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है, अगर खुलता है तो शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना मकसद रहेगा, या जैसे कि हरियाणा सरकार चिंता जता रही है लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, समस्या हो जाएगी, एक आप भी स्पष्टीकरण दे दीजिए कि भाई चिंता की कोई बात नहीं, हमें तो जाना है दिल्ली बस, और कोई बात नहीं। हाँ देखिए, पहले तो हरियाणा सरकार अभी बॉर्डर खोल नहीं रही, वो सुप्रीम कोर्ट में अपोज कर रही है, हम चाहते हैं, देश की न्यायपालिका चाहती है बॉर्डर खुले, हम इस देश के नागरिक हैं, अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती तो बॉर्डर के उस पार तो कुछ भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पंजाब में बैठे पिछले 5 महीने से, कोई एक भी एग्जाम्पल हरियाणा सरकार दे दे जो लॉ एंड ऑर्डर को लगी हो, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर हरियाणा सरकार बॉर्डर खोलेगी, 1 सप्ताह का हमें समय लगेगा, दोनों फॉर्म मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद दिल्ली की ओर आएंगे, पीसफुली ढंग से आएंगे, ये देश हमारा है, हमको भी अपनी बात करने का अधिकार है, सरकार ने बात माननी है नहीं माननी है ये अलग बात है, बेशक हम तो चाहते बात करके बात माननी चाहिए, लेकिन देश की राजधानी में आके अगर प्रदर्शन करेंगे तो ये हमारा जमहूरी अधिकार है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होगा। धन्यवाद।